अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्हें आप अभी तक भूल नहीं पा रहे, या एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स लगातार होते रहते हैं जो आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, तब एक बहुत सिंपल टेक्निक है दैट आई ऑल्सो फॉलो इन माई लाइफ, वो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। में बताया जाता है कि अगर आप वाक की सब मॉडलिटीज को चेंज कर देते हैं तब आप उस घटना के इम्पैक्ट को अपने सबकॉन्शियस माइंड से डिल्यूट कर सकते हैं और उसे ख़त्म तक कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अगर आप उस टेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं। वो टेक्निक है कि आप सबसे पहले गहरी लंबी श्वास लें, शांत होकर बैठ जाएं और आंखें बंद करें, और आंखें बंद करते ही उस घटना को याद करें जो पास्ट में आपके साथ हुई थी और जिसने आपके पीस ऑफ माइंड को बहुत डिस्टर्ब किया था और अभी तक आपको वो डिस्टर्ब कर रही है। उसको मन में देखें कि घटना कैसे चल रही है, क्या क्या बात हुई थी, क्या हुआ था, कलरफुल थी वो, ऐसा कोई इंसिडेंट हो रहा था, कोई क्या आपको बोल रहा था, कैसे बोल रहा था, उसके फेस के एक्सप्रेशंस कैसे थे, उसकी आवाज़ कैसी थी, आप पर वो क्या इम्पैक्ट डाल रही थी। फिर आप आँखें खोलें और आप कुछ भी ऐसे अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट आर द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ योर मोबाइल नंबर और व्हाट इज़ द टाइम। आप अपने माइंड को थोड़ा सा स्विच करें और फिर से आंखें बंद करें। फिर आंखें बंद करने के बाद उस इंसिडेंट को फिर से याद करें और साथ ही साथ अब याद करते वक्त आपने उस इंसिडेंट के वॉल्यूम को कम करना है। ऐसा फील करें कि जैसे आपके हाथ में उसका रिमोट है या आपका वॉल्यूम का बटन है। आप ऐसे करके हाथ को मूव भी कर सकते हैं और फील करें आप उस इंसिडेंट के वॉल्यूम को बिल्कुल ज़ीरो कर रहे हैं। आपको ये मन ही मन फील होगा नाउ देयर इज नो वॉइस एट द बैकग्राउंड। जो पिक्चर चल रही है आपके माइंड में, आप उस पिक्चर को, अगर वो कलरफुल है आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दें, अगर वो ऑलरेडी ब्लैक एंड व्हाइट है आप उसे ब्लर कर दें। अपने माइंड को ये कमांड दे कि उस पिक्चर को वो ब्लर कर दे, वो ब्लर हो जाएगी, एकदम से हो जाएगी। फील करे कि वो घटना एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में चल रही है और आपके सामने एक शीट आ गई है जिससे घटना वो बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चली गई और छोटा सा आपको बहुत माइन्यूट सा वो टीवी फॉर्म में दिख रही है। फिर आप अपने मन को कमांड दे कि वो टीवी एकदम से हवा में ऊपर उड़ गया और फट गया और स्पेस में वो अलोप हो गया, वो बिल्कुल वैनिश हो गया। फिर आप आंखें खोलें, फिर अपने आप को क्वेश्चन करें, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, व्हाट इज द टाइम, आप देख सकते हैं कि कलर क्या है दीवार का, कुछ भी, एनीथिंग जिससे आपका माइंड थोड़ा स्विच हो जाए। फिर से आंखें बंद करें, फिर उस घटना को याद करें आपको कैसा लगा, फिर देखें कि आप उस घटना को, उसकी इंटेंसिटी को 10 में से कितने नंबर देंगे। अगर आप 1 देंगे उसका मतलब है कि उसकी इंटेंसिटी अब काफ़ी कम हो गई, 0 देंगे मतलब वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। अगर आप 10 में से 8, 9, 7 ऐसा कुछ देंगे इसका मतलब है कि आप अभी तक उसको फील कर रहे हैं, या रिवर्स में भी आप अपने अकॉर्डिंगली इसको नंबर दे सकते हैं, जिसका मेन मकसद होना चाहिए कि उसकी इंटेंसिटी आपको अब कितनी फील हो रही है। अगर आपको उसकी इंटेंसिटी अभी तक फील हो रही है, फिर से इस टेक्निक को रिपीट करें। आप एक दो बार इसको करेंगे, आफ्टर सम रिपीटिशंस यू विल फील कि दैट इंसिडेंट इज टोटली वैनिश्ड फ्रॉम योर माइंड, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आप इस टेक्निक को अपने प्रेजेंट इंसिडेंट्स में भी साथ ही साथ यूज कर सकते हैं। जैसे आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया कि कैसे आप अपने नेगेटिव फीलिंग्स को, थॉट्स को क्रॉस करते हैं मन में, साथ ही साथ क्रॉस करते हैं। इसी तरह से आप NLP की टेक्निक यूज करके, अगर आपको लग रहा है कि कुछ नेगेटिव हो रहा है, एक दो मिनट के लिए अगर आपको समय मिलता है, आंखें बंद करें, फील करें कि वो जो नेगेटिव था आप विजुलाइज करें, वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, उसका वॉल्यूम कम हो गया, वो एकदम से दूर हो गई, टीवी में कैद हो गई और वो टीवी एकदम से वैनिश हो गया। और आप कोई और भी टेक्निक यूज कर सके जिससे आपको लगे कि वो जो घटना का इम्पैक्ट है वो एकदम से जीरो हो गया, आप पर अब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब साथ ही साथ प्रेजेंट सिचुएशंस में भी इस चीज को साथ ही साथ यूज कर सकते हैं ताकि वो आपके सबकॉन्शियस में ना एंटर हो और आपका पीस ऑफ माइंड बना रहे। थैंक यू सो मच। Bye-bye. Have a good day.